हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल औसम जीनोम पर। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने पुराने वीडियो का फिक्स बताऊंगा, जिस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो इंटरनल साउंड अपने MI रिकॉर्डर से। और यार इस वाले फिक्स की अच्छी बात यह है कि इसमें आपके पास MI का फोन होना जरूरी नहीं है, आपके पास कोई भी फोन हो सकता है, 2GB रैम वाला, 3GB रैम वाला या फिर किसी भी ब्रांड का। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप सिस्टम साउंड कैसे इनेबल कर सकते हो MI रिकॉर्डर में, तो उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थे कि मेरे पास Redmi Note 5 है, मेरे पास Redmi Note 6 Pro है और मेरे फ़ोन के रिकॉर्डर में सिस्टम साउंड्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यार इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास MI का फ़ोन है उन सबके फ़ोन में सिस्टम साउंड्स का ऑप्शन पहले से ही था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरे एक फ्रेंड के फ़ोन में अपडेट आया जिसके पास Redmi Note 5 है, तो उसके फ़ोन से सिस्टम साउंड्स का ऑप्शन हट गया। और यार इसमें देखने वाली बात ये थी कि ये अपडेट सिर्फ 300 MB का था और इस अपडेट से MIUI वर्जन भी चेंज नहीं हुआ। और दोस्तों इतना ही नहीं, मेरे एक और फ्रेंड के भी फ़ोन में यही अपडेट आया था जिसके पास है Redmi Note 4 और उसके भी फ़ोन में अपडेट आने के बाद सिस्टम साउंड्स का ऑप्शन हट गया। तो यार इससे सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव होता है कि MIUI वर्जन का जो भी अपडेट हमें देखने को मिला था पास्ट में, तो यार ऐसा हो सकता है हमें जो अपडेट्स देखने को मिले थे पास्ट में उन सारे अपडेट्स में बग्स हो जिसके कारण हम सिस्टम साउंड्स को इनेबल कर पा रहे थे। और अब जब Xiaomi को इसके बारे में पता चल गया है तो वो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए नया अपडेट दे रही है जिसके बाद सिस्टम साउंड्स का ऑप्शन हट जा रहा है। और यार मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा फोन या फिर मेरे किसी भी फ्रेंड का फोन रूटेड नहीं है, क्योंकि अगर आप YouTube पे सर्च करोगे कि MI रिकॉर्डर में सिस्टम साउंड कैसे इनेबल करें तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको लास्ट में ये बोला जाएगा कि आप अपने फोन को रूट कर लो। और यार मैं भी जानता हूँ कि आप लोगों को अपना एंड्रॉयड फोन रूट नहीं करना है, तो यार इसीलिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप अपने इन गेम साउंड को बहुत ही इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस ऐप में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास MI का फोन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, आपको वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अनफॉर्चुनेटली ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऐप वहां से बैन हो चुका है, तो इसीलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से ही इसे डाउनलोड करना। एक बार डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद ओपन कर लेना है। ऐप ओपन कर लेने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो, इसको आपको ऑन ही रखना है। और इसके बाद आपको साउंड सोर्स का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको क्लिक करना है। और इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिखेंगे जिसमें पहला होगा माइक और दूसरा होगा अनप्रोसेस्ड यानी कि रॉ, तो आपको सिंपली रॉ पे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग सेटिंग्स को अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो, जैसे कि रेजोल्यूशन आप लोग 1080p कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट पे हैं। आप लोग यहाँ पे FPS भी चेंज कर सकते हो और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप FPS को हमेशा 60 FPS रखो। तो दोस्तों ये थी सारी सेटिंग्स और एक बार सेटिंग्स कर लेने के बाद आप लोगों को होम स्क्रीन पे आ जाना है। और जब आप लोग होम स्क्रीन पे आ जाओगे तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बार आ चुका है जिसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, सेटिंग्स में जा सकते हो और इस ऐप को क्लोज कर सकते हो। और अगर आपके फोन में ये बार नहीं आ रहा है तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और ड्रॉ ओवर अदर एप्स को इनेबल कर देना है। तो दोस्तों अब हमारी सेटिंग्स सारी पूरी हो चुकी हैं। अब अगर आप पबजी खेलो या फिर कोई भी गेम खेलो उन सभी गेम्स की इंटरनल ऑडियो आप बहुत ही इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखा देता हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।